महान संत संत रविदास की जयंती बोकारो में भी हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई गई। बोकारो के सेक्टर 4D स्थित महर्षि रविदास सेवा आश्रम में महर्षि रविदास की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में चास बोकारो से उनके अनुयायियों ने आश्रम में पहुंचकर संत रविदास की जयंती मनाई। संत रविदास की इस जयंती के मौके पर महान संत रविदास को नमन करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। संत रविदास जयंती के इस खास अवसर पर समाजसेवी देवानंद राम समेत कई गणमान्यों का भी यहां आगमन हुआ। आगंतुक सभी लोगों ने संत रविदास की शरणागत होते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर सभी ने मिलकर महर्षि रविदास के भजनों को गाया और उनकी सोच का राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प लिया। जयंती पर महर्षि रविदास को नमन करते हुए समाजसेवी देवानंद राम ने कहा कि महर्षि रविदास सच्चे अर्थों में संत थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण एवं समस्त जीवन कल्याण था। प्रभु तुम चंदन हम पानी, जैसे महान रचनाकार संत प्रवर गुरु रविदास जी की 642वीं जयंती आज बोकारो के सेक्टर 40 महर्षि रविदास सेवा आश्रम में मनाया जा रहा है, जिसमें इस शहर के और इस जिले के अनेकों गांव से, अनेकों सेक्टरों से और तमाम नॉन सेक्टरों से, चास से लोग चलकर गुरु जी के प्रति अपना श्रद्धा समर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाया जा रहा है। आश्रम का भी जीर्णोद्धार हुआ है। कल तक हमारे संत गुरु रविदास जी आसमान के नीचे थे, आज उनके सर पर एक शेड इसी शहर के दाताओं के द्वारा दान करके बनाया गया है, जो इस शहर की भव्यता में एक चार चांद करने का सुयोग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी बनारस के सिर गोवर्धन पूरे धाम में जन्म लिए और बनारस ही इनका तपोभूमि, कर्म भूमि और इनका संपूर्ण जीवन का क्षेत्र रहा है, स्थान रहा है और वहीं से गुरु जी परमेश्वर के निराकार स्वरूप का उपासक बनकर और इस पूरे जगत में सुंदर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में संत प्रवर गुरु रविदास जी की जय जयकार हो रही है। इनको अनेकों दुहाएं हैं, बहुत सारे भजन हैं, जिसके प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा स्वयं गाते हैं।